दिल्ली वालों आओ और दिल्ली चलाओ, ये मुहिम स्टार्ट किया गया है, आज से शुरू हुआ है। 7 गाड़ियां रवाना की गई है, जो दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में दिल्ली की जनता से उनकी बात लगी। ये चेयर जो है आप दिखाना चाहेंगे, ये चेयर पे बैठेगी दिल्ली की जनता और ये माइक में बाकायदा अपनी बात कहेगी। और ये जो ट्राइपोड है इसमें कैमरा रहेगा, मोबाइल या कैमरा लगेगा, ताकि वो रिकॉर्डिंग भी हो सके कि वो शख्स क्या बोल रहा है दिल्ली की जनता, और ये दिल्ली की जनता की बात को सुनेंगे और अपने मैनिफेस्टो को उसके अनुसार जारी करेंगे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। सर, आज से मुहिम आपकी स्टार्ट हो गई? आज से क्या, हमारी मुहिम तो बहुत पहले शुरू हो गई है और फॉर्मली हमने एक हफ्ता पहले भी अपना मैनिफेस्टो के पूरे प्रोसेस को लॉन्च कर दिया। निश्चित ही हम चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और फॉर्मली मैं कहूँ तो आज ये जनता तक पहुँचने का एक जरिया, ये खाली कुर्सी जो जनता की कुर्सी है, जिसके ऊपर बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बैठाया था। आज केजरीवाल जी लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में जिस तरीके से कोर्ट ने उनको इस कुर्सी के लायक नहीं समझा है, उसके पश्चात उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो आज ये जनता की कुर्सी, आतिशी जी भले ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन उन्होंने स्वयं इस कुर्सी को खाली रखते हुए ये अपना फैसला लिया था कि हम इस कुर्सी को खाली छोड़ने का काम करेंगे। मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें ये कुर्सी का हक दिया था और दिल्ली की जनता की ये कुर्सी पे अब दिल्ली की जनता ही बैठेगी, वो अपनी राय देगी, वो अपनी सलाह देगी, वो अपने सुझाव देगी कि कैसे एक बेहतर दिल्ली बनाई जा सकती है, कैसे एक सुंदर दिल्ली बनाई जा सकती है, कैसे एक सबका साथ लेकर सबके भले के साथ एक बेहतर सरकार चलाई जा सके जाए। वो सारे सुझाव मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता हमें देगी और इस कुर्सी पर बैठ कर देगी। हम जो भी सुझाव आएंगे उनको बड़े तरीके से, ना सिर्फ हमने क्योंकि इसमें बाकायदा रिकॉर्डिंग का व्यवस्था की है, माइक की व्यवस्था की है, ताकि जो भी सुझाव हों, महत्वपूर्ण सुझाव होंगे हमारे लिए, उनको इवेल्युएट किया जाएगा, संकलित किया जाएगा और एक बेहतर मैनिफेस्टो बनाने का काम दिल्ली की कांग्रेस का पार्टी करेगी। आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली की जनता का चेयर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी बोले हमने छोड़ा है, वापिस जीत किसी पे आने वाले हम। मैंने कहा बहुत उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे केजरीवाल जी को इस दिल्ली की जनता ने बिठाया था और दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में वो इस पे बैठने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने पहले ही उनको नकार दिया है। आज दिल्ली की जनता वो शीला दीक्षित जी की सरकार को याद कर रही है जिसमें हर चीज की बेहतर सुविधाएं हुई थी। आज AQI की बात चलेगी क्योंकि एनवायरमेंट अब खराब होना शुरू हुआ है। हमें गर्व है कि 2% से 22% अगर फॉरेस्ट का हमने व्यवस्था की तो वो दिल्ली की कांग्रेस सरकार, शीला दीक्षित जी की सरकार ने किया। अगर जो डीजल की बसें थी जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाती थी उनको कन्वर्ट करके नई बसें CNG की लाने का काम किया तो शीला जी ने किया था। गरीबों को पेंशन देने का काम किया था, गैस के फ्री सिलेंडर्स देने का काम किया था, हमने लोगों को राशन कार्ड बना के दिए थे। आज कहीं ना कहीं जनता उन चीज़ों से त्रस्त है, कहीं ना कहीं उनको महसूस होता है, उनको ये उम्मीद थी कि शायद पानी हमारा साफ मिलेगा, सस्ता मिलेगा। आज दुख होता है जब दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज दुख होता है जब बिजली के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और हालत ये हो गई है कि 2014 में जो एवरेज बिलिंग रेट 5 रुपये होता था, आज वो एवरेज बिलिंग रेट 10 रुपये प्रति यूनिट हो गया। तो ये सब दिल्ली की जनता देख रही है और अभी समय आ गया है तो उचित जवाब भी देने का काम करेगी। सर, दिल्ली की अगर गैस चैम्बर की बात करें, पॉल्यूशन बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, लगातार दावे किया जा रहे हैं लेकिन हालत। मैं अभी बोल रहा था कि ये सरकार सिर्फ बहाने ढूंढ सकती है, इन लोगों को सरकार चलाना आता नहीं है। मुझे याद आती है एक स्टोरी है जिसमें एक बंदर को मिलजुल के लोग राजा बना देते हैं कि भाई आप जंगल के राजा आज से आप, और जब परेशानी एक जानवर पर पड़ती है तो वो जानवर आता है कि शेर आ गया जी और मुझे बचाइए। तो बंदर साहब इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे,
अब वो जानवर कहने लगा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, हमारे राजा हो, मेरी तो जान खतरे में है, आप मुझे बचाने के बजाय आप इधर उछल कूद कर रहे हो। तो उस बंदर का जवाब था कि मैं तो मेहनत कर सकता हूँ, उछल कूद कर सकता हूँ, वो कर रहा हूँ। अब ये ही फैसला, यही ऐसा ही माहौल आज दिल्ली की जनता को देखना पड़ रहा है। केजरीवाल जी और उनकी सरकार, चाहे वो आतिशी जी हो, वो लगातार उछल कूद तो करवा सकते हैं उनसे, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का हल नहीं उनसे निकल सकता। जब भी हल की बात आती है तो कभी एलजी जिम्मेदार हो जाते हैं, जब भी हल की बात आती है तो पड़ोसी राज्य जिम्मेदार हो जाता है, जब किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो केंद्र सरकार उनका डंगा डाल देती है। तो ये बंदर की तरह उछल कूद कर सकते हैं, शासन नहीं चला सकते। छोटा सवाल लास्ट में, इस बार विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये तीन के साथ या कांग्रेस से सीधा आम आदमी पार्टी के साथ? अब ये एक बीच में से आम आदमी पार्टी को बिल्कुल साफ कर दी, यानी बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि आज दिल्ली की में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बड़ी उम्मीद के साथ किया था, एक बहुमत देने का काम किया था, और ऐसा बहुमत दिया था 70 में से पहली बार 67 सीट दी और दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी, इससे बड़ा कोई बहुमत नहीं हो सकता था। तो उम्मीद थी कि समस्याओं का समाधान होगा, आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली की जनता में इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। हालांकि एक तरफ कहते हैं कि खाई है, एक तरफ गड्ढा है, जनता के लिए सिर्फ एकमात्र विकल्प कोई है तो वो कांग्रेस है। तो आज दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं उस विकल्प की ओर देख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके। हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के देवेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में भले भी दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जो अब चुनाव होगा यानी जो विधानसभा चुनाव 2025 का होगा, उसमें कांग्रेस का ही राज होगा, ना ही उसमें बीजेपी आएगी और ना ही यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार दिखेगी। अभिषेक जैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।